मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, आप इसको समझ लेना, देख लेना, तभी अपने मोबाइल में फोल्डर लगवाना, नहीं तो आपका फोल्डर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा या आपके मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम आने चालू हो जाएगी। हमारे पास ये आ चुका है, काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं फोल्डर के विषय में। ये वीडियो अलग ही रहेगा आपका जानकारी में। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही फोल्डर लगता हो जैसे बताने जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर एक बार चेक कर लेना। ये हमारे पास आया हुआ है 9A का फोल्डर, देख लीजिए 9A का फोल्डर है हमारा। ये पेस्टिंग गारंटी में है और एक किंज का माल है, देख लीजिए पेस्टिंग गारंटी में आता है, मौके पे हमारे पास रखा हुआ है। और एक ए भी कंपनी रखा हुआ है, ओजी पे प्रीमियम, देख लीजिए ये ओजी का माल है। जेजेपी का देख लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी में है, अच्छा है, लेकिन ये पेस्टिंग गारंटी नहीं है। और आपको ये ज़्यादा बताएंगे नहीं, ज़्यादा गुमराह नहीं करेंगे, आपको बता रहे हैं अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही फोल्डर लग रहा है जैसे नीचे पत्ता दिया रहता है, देख लीजिए ये बोर्ड में लगेगा और ये फोल्डर आपके चार्जिंग प्लेट में लगेगा, जैसे यहाँ पर चार्जिंग प्लेट रहती है, यहाँ पे जाके टच होगा। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही फोल्डर लग रहा है तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपका मोबाइल अपने मोबाइल में चेक कर लेना, नहीं तो आपके मोबाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम आने का चांस या संभावना बनी रहती है। अगर ये नीचे का तरफ से फोल्डर पत्ता रहता है तो मोबाइल में एस पत्ता रहता है जैसे ए है, तो आपकी मोबाइल में कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब आपकी मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप अपने मोबाइल को टच कर मतलब फोल्डर चेक कर लीजिए तब लेके आइए। लेकिन आपके मोबाइल में अगर एस फोल्डर लगा रहता है जो नीचे का तरफ से पत्ता रहता है, काफ़ी मोबाइल में या काफ़ी मॉडल में ये सब सिस्टम आने लगा है। रियलमी का काफ़ी सारे मॉडल निखरे हुए हैं, रियलमी C53, रियलमी C35 या 9A, 9 पावर, बहुत सारे मॉडल में ऐसे ऐसे आने लगे हैं जो आपका नीचे से पत्ता मिल जाएगा। और काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे मॉडल में वीवो ओप्पो MI सब में या टिकोनो इन्फिनिक्स में ज़्यादातर आता है। अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही पत्ता लगा हो जो नीचे का पत्ता लगा है, तो आप ये चेक कर लेना जो बताने जा रहे हैं। आप इसको फोल्डर लगवाने के बाद अपना फोल्डर को चेक कर लेना, कोई लाइनिंग या बराबर काम कर रहा है, टच बराबर काम कर रहा है, या डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। डिस्प्ले की क्वालिटी बताए हुए हैं, अगर 500 प्लस रहती है तो आपका डिस्प्ले अच्छा रहता है, देख लीजिए ये 600 प्लस है, जो तेज धीम किया जाता है उसकी लाइट 600 प्लस है, ये क्वालिटी इसका लाजवाब है, देख लीजिए। अभी नया मॉडल का डिस्प्ले आया हुआ है, इसमें 600 प्लस क्वालिटी रहती है तेज धीम करने वाला। अगर आपके मोबाइल में 500 या 500 प्लस रहती है तो आपको मान लीजिए डिस्प्ले अच्छा रहेगा, अच्छी क्वालिटी में रहेगा। अगर 400, 450, 300, 350 क्वालिटी लिखी रहेगी तो ज़्यादा ठीक नहीं पड़ता है, वो सस्ता वाला फोल्डर रहता है, ये बता दे रहे हैं। कोई कोई मोबाइल में लिखा ही नहीं रहता है, देख लीजिए किंज के माल में लिखा ही नहीं रहता है, लेकिन पेस्टिंग गारंटी है, ये पेस्टिंग गारंटी नहीं है, 600 प्लस है, क्वालिटी अच्छी है। ये हमको मिल गया था 600 रुपये में और ये भी हमको 600 रुपये में मिला हुआ है, ये हमको पेस्टिंग गारंटी में मिला है, ये पेस्टिंग गारंटी में नहीं मिला हुआ है। अगर जो डिस्प्ले से कनेक्ट रहता है, देख लीजिए, तो आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आप वही दुकान पर चार्जिंग चेक कर लेना कि हमारी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद फ़ोन लगा के चेक कर लेना इधर की आवाज़ उधर जा रही है कि नहीं जा रही है, और गाना चला के चेक कर लेना कि हमारी गाना की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। नेटवर्क चेक कर लेना, नेटवर्क हमारा बराबर पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, और ये सब चेक कर लेना। और एयरफोन भी लगा रहता है कोई कोई मोबाइल में, जैसे एयरफोन का भी कनेक्शन रहता है, एयरफोन भी चेक कर लेना, बाबरेट का कनेक्शन चेक कर लेना, बाबरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। काफ़ी सारे मोबाइल में ये सब मतलब रहता है, जो रहता है आपके मोबाइल में इसी के, ये सारे मॉडल की जो जो बताए हुए हैं सारे मॉडल की सप्लाई इसी में रहती है डिस्प्ले में। अगर आपका डिस्प्ले ख़राब रहेगा तो आपके डिस्प्ले में कोई भी चीज़ या आवाज़ नहीं जाएगी, या गाना नहीं गाएगा, या चार्ज नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा धीम करने लगेगा। डिस्प्ले फूटने से पहले सब कुछ सही रहता है, डिस्प्ले लगाने के बाद ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। आप दुकान पर ही चेक कर लेना, दुकानदार से बता देना अगर आपके मोबाइल में ऐसे पत्ता लगा हो तो, नहीं तो आपको नहीं पता है तो दुकानदार जब लगाने जा रहा है तो आपका पुराना वाला फोल्डर मांग लेंगे तो दुकानदार दे देगा। आपके फोल्डर में देख लेना ये पत्ता अलग से लगा है कि नहीं लगा है, आपको दुकानदार कोई भी दुकानदार देगा, अगर आप मांग रहे हो तो हर दुकानदार दे देगा आपका टूटा हुआ डिस्प्ले।
देख लेना, अगर ऐसे रहेगा तो आप दुकान पर ही चेक कर लेना जो जो बताए हुए हैं, नहीं तो दुकान पर से हटोगे तो उसकी कोई गारंटी, दुकानदार की कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता है देख। लेकिन जो गारंटी वारंटी में लगवाते हैं तो इसको लगा देते हैं पेस्टिंग गारंटी वाला, हमको भी दिक्कत नहीं रहती है, ये हमारा आगे वापस हो जाता है और ये लगाने के बाद वापस नहीं जाता है, अगर आपका डिस्प्ले चलेगा तो, नहीं चलेगा तो। लगाने के पहले जितना लगाते हैं सब परफेक्ट लगाते हैं, लगाने का तरीका होना चाहिए, ये पन्नी निखार के लगाना चाहिए, टेप को निखार के लगाना चाहिए और यहाँ पर एक टेप मार लेना चाहिए ताकि हमारा पत्ता हिले ना, एकदम परफेक्ट बैठा रहे और डिस्प्ले बराबर एकदम टाइम टाइम पे वर्क करे। नहीं तो कोई कोई डिस्प्ले वर्क नहीं करता है, या मतलब चलता नहीं है, दबाओ एक काम करेगा दो, या कोई थोड़ी देर में काम करेगा, ये सब प्रॉब्लम आता रहता है डिस्प्ले लगाने के बाद। देख लीजिए डिस्प्ले के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, एक से एक वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगी कि फोल्डर के विषय में एक से एक जानकारी देते रहते हैं। कोई भी मोबाइल का सामान हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अगर आपको जानकारी नहीं है कितने में लगता है कितने में नहीं लगता है, हमारा चैनल फॉलो करके रखिएगा, आपको एक से एक बात बताते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।